students. I am Dr. Renuka Verma, assistant professor at Biyani Group of Colleges. Today we have discussed about Kotkar method on behalf of gurukpo.com. Kotkar method. Kotkar एक ऐसा method है जिसमें हम DNA के renaturation का analysis करते हैं. इस method को mid-1960 में Rob Britton, Eric Davidson and उनके associate ने discover किया था, यानी कि first time इन scientist ने Kotkar method को discover किया था. तो analysis of renaturation of DNA ये पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि actually renaturation process है क्या और DNA actually है क्या. DNA एक double stranded होता है और आप देखेंगे कि जब double stranded DNA के किसी solution के अंदर heat apply की जाती है तो DNA जो है वो अपने डबल स्टैंडर्ड नेचर को छोड़ करके सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसके जो डबल स्टैंड हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच हैं वो एक दूसरे से अलग होकर के डीनेचुरेशन कर लेते हैं. और जब ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के दौरान जब जो टेम्परेचर हमने पहले दिया था उस टेम्परेचर को या उस हीट को अगर हम कम कर दें, यानी कि उस सैंपल को अगर हम कूल करें, तो वही डीएनए जो पहले डीनेचर हुआ था वो वापस से रीएनिल होने लग जाता है, यानी कि वापस से डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है. तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पर रीनेचुरेशन कहते हैं, यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए का किसी भी रीजन से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होना डीनेचुरेशन, और उसी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का अगेन वापस से डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होना रीनेचुरेशन कहलाता है. तो इसी रीनेचुरेशन प्रोसेस की जब हम एनालिसिस करते हैं तो उस मेथड को हम कॉटकर मेथड कहते हैं. ये जो डीएनए का रीनेचुरेशन होता है किसी भी मीडियम के अंदर, ये फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स पे डिपेंड करता है, जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए, यानी कि मीडियम में डीएनए की क्वांटिटी कितनी है, उसको कितना टाइम दिया गया है डीनेचर होने के लिए एंड अगेन रीनेचर होने के लिए, एंड बफर फैक्टर. बफर फैक्टर एक्चुअली कैटायंस की कंसंट्रेशन होती है जो कि डिपेंड करती है. जब कैटायन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है तो रीनेचुरेशन की जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है, या उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा होती है. एंड फोर्थ वन इज विस्कोसिटी. विस्कोसिटी जो है वो डीएनए की प्योरिटी पे डिपेंड करती है, यानी कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है कॉटकर मेथड के लिए, उस सॉल्यूशन में अगर डीएनए में किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन है तो कॉटकर वैल्यू जो है वो प्योर हमें नहीं मिलेगी. इसलिए कॉटकर मेथड के लिए सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हम जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें डीएनए प्योर हो. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएनए जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड बैकबोन का बना हुआ होता है, इसलिए जो बफर फैक्टर हमने पढ़ा था यानी कि कैटायन की परसेंटेज, वो कैटायन की परसेंटेज जो है वो उस नेगेटिवली चार्ज्ड बैकबोन को पॉजिटिव कर देती है या उसको चेंज कर देती है, और उससे रीनेचुरेशन की जो प्रोसेस है उसकी क्वांटिटी में डिफरेंस आता है. तो कॉटलॉग एक्चुअली क्या होता है? कॉटलॉग जो है वो डीएनए की कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो टाइम या वो प्रोबेबल टाइम जो दिया गया है रीनेचुरेशन प्रोसेस के लिए. एंड थर्ड इज बफर फैक्टर, यानी कि उस सॉल्यूशन के अंदर कैटायन की परसेंटेज कितनी है. इन तीनों को अगर हम एक साथ रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम कॉटलॉग बोलेंगे. जब इन वैल्यूज को हम एक ग्राफ के अंदर पुट करते हैं या ग्राफ के अंदर लगाते हैं तो हम देखेंगे कि सबसे पहले x एक्सिस के ऊपर हम कॉटलॉग वैल्यू लगाएंगे और y एक्सिस के ऊपर परसेंटेज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की क्वांटिटी कितनी है उसको हम y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और कॉटलॉग जो है उसको हम x एक्सिस पर प्लॉट करेंगे. अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ को देखने से हमें क्या पता चलता है, ये कॉट वैल्यू का ग्राफ है, यानी कि कॉट कर्व है. यहाँ पर हमने लिखा है हाईली रिपीटेटिव डीएनए. हाईली रिपीटेटिव डीएनए यानी कि वो डीएनए जिसके अंदर रिपीट सीक्वेंस बहुत ज़्यादा है. किसी भी डीएनए में जो बेस पेयर्स होते हैं, मान लीजिए किसी डीएनए में या जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है आफ्टर डीनेचुरेशन, उसमें जी सिक्वेंस या जी बेस पेयर जो है वो 40 टाइम्स है, सी 10 टाइम्स है और टी जो है वो 5 टाइम्स है. तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा उस बेस की
ज्वाइन होने की प्रोबेबिलिटी होगी, और जितनी कम क्वांटिटी होगी उतनी ही उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी किसी भी रीनेचुरेशन प्रोसेस में किसी डीएनए के अंदर जुड़ने के लिए। यानी कि जी जो है वो 40 टाइम्स किसी डीएनए के अंदर ऐड हो सकता है, जबकि टी बी स्पेयर जो है वो ओनली 5 टाइम्स ही उसके साथ में ज्वाइन हो सकता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की कंसंट्रेशन हाई होगी उसकी कॉटलॉग वैल्यू जो है वो उतनी ही हाई होगी, और जैसे जैसे रिपीटेटिव सीक्वेंस की कंसंट्रेशन या क्वांटिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे कॉटलॉग या कॉट वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। कॉटकर्व में हम जब देखें इस ग्राफ के अंदर सबसे ऊपर हाईली रिपीटेटिव डीएनए है, जैसे जैसे यहाँ पर जितने भी डीएनए थे उसमें जितने ज़्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंस थे वो जब ज्वाइन हो गए तो उसके अंदर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस की क्वांटिटी कम हो गई। तो टाइम के साथ जैसे जैसे हम देखेंगे कि टाइम के साथ एक सिचुएशन ऐसी आई जब उसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस की क्वांटिटी कम हो गई, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है कॉटकर्व की जो वैल्यू है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। यानी कि जैसे जैसे रिपीटेटिव सीक्वेंस की क्वांटिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे ही कॉटलॉग की क्वांटिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो कॉटकर्व एक्चुअली क्या है? कॉटकर्व एक ग्राफ है जिसमें एक्स और वाई पे में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और कॉटलॉग को एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है, जिस यानी कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को वाई पे प्लॉट किया जाए और लॉग कॉट को एक्स पे प्लॉट किया जाए, तो इस मेथड को हम कॉटकर मेथड कहते हैं। तो ये मेथड तो हमने समझ लिया, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी कि कॉटकर मेथड की हमें जरूरत क्यों पड़ी। कॉटकर मेथड की एप्लीकेशंस के अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन आती है इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ जीनोम। कॉम्प्लेक्सिसिटी से क्या मतलब है? यानी कि जीनोम में कितने रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट हैं, कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, और उस जीनोम की क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, और वो जीनोम में कितने प्रकार के बेस पेयर प्रेजेंट हैं। और सेकंड है क्वांटिटी ऑफ हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी डीएनए के अंदर कितने रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट हैं? अगर हम कॉटकर को देखें या इस ग्राफ को देखें तो हम देखेंगे कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी है डीएनए की, यानी कि जितना ज़्यादा उसके अंदर रिपीटेटिव सीक्वेंस होंगे उतनी ही उसकी कॉट वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। यानी कि भी किसी भी डीएनए की हम कॉट वैल्यू से ये पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर रिपीटेटिव सीक्वेंस कितने हैं। थर्ड इज मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए यानी कि वो टेम्परेचर जिसमें डीएनए डीनेचर होता है, तो इस मेथड द्वारा हम ये भी पता लगा सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। इस मेथड द्वारा हम इन चारों ही इंपॉर्टेंट थिंग्स का पता लगा सकते हैं। सो कॉटकर मेथड इज अ सिंपलेस्ट मेथड टू नो रीनेचुरेशन प्रोसेस एंड analysis of renaturation of a DNA. Thanks for watching this video. Please like, comment, share, and don't forget to subscribe our channel gurukpo.com. Thank you.